कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है हरियाणा के नतीजों को लेकर, जो जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, और जम्मू कश्मीर को लेकर हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने बात की है पवन खेड़ा से, सुनिए सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा। सर, कांग्रेस दफ्तर में जलेबी और मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई है क्या? आप भी खाइए, मोदी जी को भी खिलाइए, ये उन्हीं के लिए है ये जलेबियां। सर, क्या वजह रही कि हरियाणा में इस तरह के शुरुआती रुझान आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से अब लोगों को नफरत होने लग गई, घृणा होने लग गई। सर, मुख्यमंत्री कौन होगा, हुड्डा होंगे या सलजा? एक तरीका है, प्रक्रिया है, जो विधायक दल की बैठक होगी, जो निर्णय लिए जाएंगे उसके बाद उसी। तो आज ईवीएम की जीत होगी? ईवीएम की नहीं होती, जनता की होती है। जनता को अगर ईवीएम पे शक होता है तो शक भी जाहिर करना जरूरी है। सर, आखिरी मोदी जी को क्या संदेश देंगे? जलेबी खानी चाहिए उनको। तो इस तरह से पवन खेड़ा कह रहे थे कि अब जलेबी जो है सो बटनी शुरू हो गई है और बीजेपी और मोदी जी को भी जलेबी खानी चाहिए। पवन खेड़ा को आपने सुना? पर वो लीड कर रही थी और बीजेपी पिछड़ी हुई थी और सरकार कांग्रेस के जरिए बनाने के लिए सारी स्थितियां बनी पड़ी थी। उस समय ढोल नगाड़े गाजे बाजे लड्डू बताशे ये सब कांग्रेस दफ्तर पर दिख रहा था और हुडा के आसपास लोगों का जमावड़ा था, लेकिन जैसे जैसे आंकड़ा बदलता चला गया है स्थितियां आप बदल रही हैं, बयान भी बदल जाएंगे। और मुझे लगता है ज्योति कुमार सिंह भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ज्योति कुमार सिंह जी, हरियाणा को लेकर कम से कम ये कहा जा सकता है आप लोगों ने मिठाइयां बांटने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी क्या? खाया जा सकता है, हर समय खाया जा सकता है, हर बात के लिए खाया जा सकता है, किसी बात के लिए खाया जा सकता है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हरियाणा के मुद्दों को उठाया और उन मुद्दों को हरियाणा के लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसका तो आप खुद दिखा रही हैं कि हमें दिखा रही हैं कि हम शुरू सुबह में बढ़ रहे थे और घट गए। अभी आप जो बीच में दिखा रहे थे उसमें बीजेपी 50 से 45 आ गई, अब क्या बोलेंगे आप? अभी बहुत बहुत जल्दीबाजी है, इतना जल्दीबाजी जो हो रहा है हम वो दिखा रहे हैं। अभी तो 10:30 सुबह सुबह आप आ गए थे, अब आप पीछे हैं, तो जो हो रहा है हम वो दिखा रहे हैं आप। हाँ ठीक, तो ठीक है, तो उसमें तो आप यही दिखा रहे हैं ना। आपने अपने वक्तव्य में बोला कि सुबह में इनके बहुत अच्छे थे, अब उनके खराब होने लगे, अब उनके आप 50 दिखाए तब 45 दिखा रहे हैं आप, तो अब आप उनके बारे में भी सोचे। तो खैर, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। जो बात क्या है, बात यह है कि अगर हरियाणा में किसानों पर के बारे में बीजेपी ने कुछ बोला और राहुल गांधी जी खड़गे जी ने उसको उठाया तो लोगों ने माना और ये एक बहुत सही बात थी, उसमें कोई गलत बात तो थी नहीं। जिस तरह से पहलवानों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ये क्या करती है, बोलती कुछ है करती कुछ है। वोटों में परिणत वो भी आपको 1 बजे तक आपको सारे रुझान मिल जाएंगे। चूंकि असेंबली का चुनाव है, मैं भी बहुत क्लोजली देख रहा हूं, कहीं पर 25 वोट से, कहीं 50 वोट से, कहीं 100 वोट से आगे पीछे चल रहा है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हरियाणा में भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतेगी और यहां पर जो जीत होगी पहलवानों की होगी, किसानों की, महिलाओं की होगी। और आपको बता दें, जिस तरह जम्मू कश्मीर भी जो आप आशंकाओं का जो बात आप करना चाह रहे हैं, वहां भी आप आशंका ना करें, वहां भी इंडिया गठबंधन जीतेगी। और प्रचंड बहुमत से जिस तरह से राहुल गांधी ने मुद्दों को, बुनियादी मुद्दों को उठाया, लोगों को लगाया कि सही मुद्दा उठाता। लेकिन आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी भी हम लीड करते हुए नजर आएंगे हरियाणा में, अभी का जो नंबर है वो 47 बीजेपी का और 37 कांग्रेस का दिखा रहा है, क्या बड़े फैक्टर आपको लग रहे हैं जो आपके फेवर में आगे तो काम कर सकते हैं अगर नंबर या लीड करते हुए आप लोग नजर आए तो? देखिए, हम आपको एक बात बता देते हैं, अभी आप 12:30 बजे तक ये 25 वोट से, 50 वोट से, 100 वोट से, क्योंकि असेंबली का इलेक्शन है, आपको हमसे ज्यादा अनुभव है क्योंकि आप सालों साल जगह पर जाकर आप कवर। ज्योति जी, यही बात आप तब भी कहते जब आप 25 50 या 100 वोट से आगे होते, अगर आप 25 50 या 100 वोट से आगे होते तब आप क्या कहते? तब भी हम यही बात कहते, तब भी आप जम्मू कश्मीर के लिए भी मैं यही बात कह रहा हूँ। सुनिए, जम्मू कश्मीर का मैं 12:30 बजे तक हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि लोग बीजेपी को हटाना चाहती है, नरेंद्र मोदी के चेहरे को हटाना चाहती है, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती है। जो उन्होंने सपनों का जो उन्होंने गुब्बारा बनाया था वो फूटने लगा है, फूट चुका है, अब लोगों को उन पर विश्वास नहीं है।
इस बात से हम आश्वस्त हैं कि लोग उनके विपक्ष उनके पक्ष में वोट नहीं किया है, लोग में जो आक्रोश था वोट के समय में वो दिखा है, इस बात को आप ठीक है, एक रिएक्शन देखिए, आप ट्रेंड दिखा रहे हैं, एक छोटा सवाल है, क्योंकि यह तो जनादेश है जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर लड़े हैं आप, तब आपके पास 8 सीटें हैं, यानी कि जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको दी उसने अपना वोट ट्रांसफर किया तो 8 सीटें आपको मिली हैं। 10 साल से आपकी ओपोनेंट बीजेपी हरियाणा में है और इस बार उसकी खस्ता हालत कही जा रही थी, आपकी पार्टी के जीतने के प्रचंड तरीके से जीतने के आसार थे और अब 35 पे लटके पड़े हैं, दोनों राज्यों में आपका परफॉर्मेंस बेहतर माना जाए, कैसे माना जाए, दोनों जगह स्थितियाँ वैसी ही आपके लिए हैं। देखिए आप, मैं फिर से वही बात कहता हूँ, आप जिस बात को बताना चाहते हैं लोगों को, मैं लोगों को आप ही के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम दोनों जगह जम्मू कश्मीर में अलायंस में इलेक्शन लड़े हैं और अलायंस में जहाँ सीटें जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीतना चाहिए वहाँ वो बहुमत कर रही में जा रही है, जहाँ कांग्रेस और अभी चूंकि 10:30 बजा है, 10:45 बजा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ हरियाणा के लिए भी और वहाँ के लिए भी आते जो मुद्दे थे वो मुद्दे पवन है आम आदमी पार्टी से, पवन को इसमें हम 1.5 घंटे रुक जाते हैं, हम 1 बजे रुक जाते हैं, 2 बजे रुक जाते हैं, ज्योति जी नतीजे आएंगे, हम लोग पत्रकार हैं, जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर हम विश्लेषण करेंगे कि आपकी पार्टी ने कहाँ बेहतर किया है और क्या खामियां उसकी रह गई हैं और जो जीत गया है उसने आखिर क्या कमाल कर दिया है। लेकिन पवन सवाल ये है कि आपकी पार्टी 90 सीटों पर लड़ी, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, बड़ी उम्मीद थी कि उनके जेल से आप बाहर आने के बाद से एक नई जान पार्टी में होगी और हरियाणा में ज़मीन पर आम आदमी पार्टी बहुत बदलाव कर देगी अपने हक में, लेकिन कुछ हुआ नहीं, 0-0 है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डालने के बावजूद एक मिनट मैं आपके पास लौट रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कालका से बड़ी खबर इस वक्त ये है कि बीजेपी कैंडिडेट शक्ति रानी शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं, इस वक्त आगे चल रही हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा, इस वक्त कालका विधानसभा सीट से वो आगे चल रही हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा कालका से आगे चल रही हैं, जो तमाम वादे हमने देखा जिस तरह से चुनावी अभियान चलाया गया, तमाम रैलियों में उनकी तरफ से जो वादे किए गए वो वादे कहीं ना कहीं असर करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। यहाँ दो तीन बातें मैंने अनन्या महसूस की थी, एक तो कि यहाँ कांग्रेस के जो विधायक रहे उनसे नाराजगी बहुत ज्यादा थी, दूसरा शक्ति रानी शर्मा मेयर रही अम्बाला की और उनके लिए नई सीट कालका थी, हालांकि उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था यहाँ से, लेकिन जो नाराजगी थी कांग्रेस के विधायक को लेकर के और शक्ति रानी शर्मा और बीजेपी के साथ लोगों का एक एसोसिएशन मैंने वहाँ महसूस किया कि नहीं अगर ये आती हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, रोड का, बिजली का, सड़क का, वहाँ के हॉस्पिटल्स का, जो कालका मंदिर है उसके आसपास पार्किंग का इंतज़ाम नहीं, तो उस दौरान कार्तिक शर्मा ने कहा कि यह तो मैं कर दूंगा अपने ही सांसद के फंड से कि डबल पार्किंग हम आपके कर देंगे, वहाँ जो हालात हैं कमोबेश जैसे ड्रग्स को लेकर के हैं कि ड्रग्स का एक बड़ा रैकेट वहाँ काम करता है, नौजवान नशे की लत का शिकार हैं, मोरनी जैसी अच्छी जगह है जहाँ की टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है, वहाँ एग्रो बेस्ड इकॉनमी जो होती है उसको आप डेवलप कर सकते हैं, तो हिमाचल से लगा हुआ ये ज़िला है पंचकुला और पंचकुला की ही सीट है कालका, और कालका पे जो मैंने बढ़ता हुआ जनाधार देखा था बीजेपी का शक्ति रानी शर्मा के हक में उसी का ये नतीजा है कि वो आगे चल रही है और ये सीट बीजेपी के पास आएगी।